Johannes is on the beat. इधर रचा तो कली चाय खाना नहीं बोला तुम्हें मैं उड़ाई सुबह सुबह होना ना हरी भाई पेट भर के ना पेट निकलेगी मकदमिया भाई मिया 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 अपन को बोलता मिया भाई सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल G95 ब्लॉग्स. आज हम बनाने वाले हैं लॉकडाउन केक. सो पहले हम ओरियो लेंगे, ओरियो बिस्किट, ये उसका क्रीम निकाल देंगे मिक्सर की करना कि वो चॉकलेट वाला ही होगा, उसका क्रीम निकालेंगे. क्रीम निकालने के बाद और बिस्किट का जो पार्ट है उसको अलग कर लेंगे और जो चॉकलेट वाला पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि बिस्कुट वाला जो ग्राइंड करेंगे और ये बिस्कुट वाला पार्ट हम अभी ग्राइंड करने वाले हैं. ग्राइंड करने के समय ध्यान रखना कि आप छोटा वाला डाल लीजिएगा, वो जो हम सेपरेट किए थे क्रीम और उसके साथ थोड़ा कैडबरी चॉकलेट एंड मिल्क के बाद हम इसलिए उसको मेल्ट करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सीमेंट जैसा स्ट्रक्चर देगा केक को. वो जो हम पाउडर किए थे बिस्किट का उसमें थोड़ा सा हम मिल्क डालेंगे ताकि वो अच्छा सा बैटर बन जाए. ठंडा मिल्क मत डालिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर वाला. आप जिस पतीले में बनाने वाले हैं उसके चारों तरफ बटर डाल दीजिएगा. और मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हार्ट शेप केक पैन और डेरी मिल्क और जो चॉकलेट का मेल्ट पहले उसके ऊपर हम डालेंगे बैटर केक का. थोड़ा सा इसका ड्रेसिंग करेंगे, इस आप कोई भी चीज़ आप यूज कर सकते हैं. और इसको हम माइक्रोवेव में कन्वेक्शन में डालेंगे और ऐसा कुछ होता है लॉकडाउन के समय में केक. वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा. लगा हमारा केक बनाने का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक दे दीजिए, उसमें क्या है. और कमेंट्स में बताना डिसलाइक क्यों किए हैं ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सकें. सो या ऐसे ही. और फिनिश होने के बाद जो मैं क्लिप लिया था वो क्लिप थोड़ा नहीं है, इसलिए सॉरी गाइस, आफ्टर मैथ मैं नहीं दिखा सकता. सो दिस इज़ G95 ब्लॉग साइनिंग आउट.